पिगमेंट्स, दीज आर द कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मोस्ट लिविंग बींग्स। दो प्रकार के इंडिजिनियस एंड एक्सोजिनियस। इंडिजिनियस में देखेंगे तो चार है, मेलेनिन है, मेलेनिन लाइक पिगमेंट है, तीसरा हिमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट है, और चौथा लाइपोफ्यूशन होता है। एक्सोजिनियस पिगमेंट्स में देखेंगे, दीज आर द पिगमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सच एज बाय इनहेलेशन, इंजेशन और इनोक्युलेशन। तो इंडिजिनियस पिगमेंट्स आर द एदर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स और अकुमुलेट अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें पहला देखेंगे मेलेनिन। तो मेलेनिन बनाया जाता है मेलेनोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं बेसल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस में। बाद में मेलेनिन स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स में मेलेनोफोर्स के जो होते हैं डर्मिस में प्रेजेंट। टायरोसिनेज एंजाइम होता है मेलेनोसाइट्स में। कभी कभी टायरोसिनेज हो सकता है लेकिन वो एक्टिव ना होने के कारण मेलेनिन नहीं बनता। तो टायरोसिनेज है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करते हैं डोपा रिएक्शन। टिश्यू सेक्शन को इनोक्युलेट करेंगे सोल्यूशन ऑफ द डोपा में। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो डार्क पिगमेंट आइडेंटिफाइड होगा पिगमेंट सेल्स में। सो दिस हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग मेलेनोसाइटिक मेलेनोमा फ्रॉम द एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स। नाउ लेट अस सी वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ मेलेनिन पिगमेंटेशन दैट कॉज जनरलाइज लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन। उसमें चार है, जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन, फोकल हाइपर पिगमेंटेशन, जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन, लोकलाइज हाइपर पिगमेंटेशन। फर्स्ट जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन जिसमें एडिसन डिजीज में देर इज जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन स्पेशली इन द एरियाज एक्सपोज टू लाइट एंड ऑफ द बक्कल म्यूकोजा। क्लोजमाइज इज सेकंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज द हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ऑफ द फेस निपल्स एंड जेनिटेलिया एंड ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। सिमिलर अपीयरेंस में भी सीन इन द वुमन टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फोर्थ इज ओरल आर्सेनिकल पॉइजनिंग, देर इज जनरलाइज रेनड्रॉप पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। नाउ द सेकंड इज फोकल हाइपर पिगमेंटेशन। एग्जाम्पल्स आर कैफे ऑलेट स्पॉट्स आर पिगमेंटेड पैचेस सीन इन द न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस एंड अल्ब्राइट सिंड्रोम। सेकेंड इज प्यूज जेगर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय द फोकल पेरिओरल पिगमेंटेशन। मेलेनोसिस कोलाई इज पिगमेंटेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द कोलन। मेलेनोटिक ट्यूमर्स बोथ बेनाइन सच एज पिगमेंटेड नेवी एंड द मैलिग्न सच एज मेलेनोमा आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज मेलेनोजेनेसिस। लेंटिगो इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन इन विच देर इज फोकल हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द स्किन ऑफ द हैंड फेस नेक एंड आर्म्स। डर्मेटोपैटिक लिम्फेडेनाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट इन द मैक्रोफेजेस ऑफ द लिम्फ नोड्स ड्रेनिंग स्किन लेजन्स। नाउ द थर्ड डिसऑर्डर इज जनरलाइज हाइपोपिगमेंटेशन। अल्बिनिज्म इज द एग्जाम्पल इज एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ जनरलाइज हाइपोपिगमेंटेशन इन विच टायरोसिनेज एक्टिविटी इन मेलेनोसाइट्स इज जेनेटिकली डिफेक्टिव और मेलेनिन बनता ही नहीं है। अल्बिनोज के हेयर्स ब्लॉन्ड होते हैं, प्योर विजन होता है, सेवियर फोटोफोबिया होता है, हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट होते हैं, स्क्वैमस क्रोनिक सन एक्सपोजर में लीड टू द प्री कैंसरस लीजन बन सकते हैं। स्क्वैमस एंड बेसल सेल कैंसर ऑफ द स्किन इन सच इंडिविजुअल्स इज ऑल्सो कॉमन। फोर्थ इज लोकलाइज हाइपोपिगमेंटेशन। एग्जाम्पल्स आर ल्यूकोडर्मा इज अ फॉर्म ऑफ पार्शियल अल्बिनिज्म है, इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। सेकंड इज विटिलिगो, लोकल हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन है, इट इज मोर कॉमन है, फैमिलियल टेंडेंसी है। एक्वायर्ड फोकल हाइपोपिगमेंटेशन रिजल्ट होता है काफी वेरियस कॉजेस से जैसे कि लेप्रोसी, हीलिंग ऑफ द वुंड्स, डीएलई, रेडिएशन एंड डर्मेटाइटिस एटसेट्रा। नाउ द सेकंड आर मेलेनिन लाइक पिगमेंट्स। एग्जाम्पल आर अल्कैप्टन यूरिया, देर इज डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द होमोजेनेटिक एसिड, जिसके वजह से होमोजेनेटिक एसिड एक्यूमुलेट होगा टिश्यूज में, बाद में एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन से होमोजेनेटिक एसिड यूरिया। द यूरिन ऑफ पेशेंट्स ऑफ अल्कैप्टन यूरिया इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम आवर्स इन द ईयर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द होमोजेनेटिक एसिड। द पिगमेंट इज मेलेनिन लाइक एंड डिपोजिटेड इन बोथ इंट्रासेलुलरली एंड इंटरसेलुलरली, उसे टर्म किया गया ओक्रोनोसिस। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यूज है कार्टिलेजेस, कैप्सूल्स ऑफ द जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। सेकेंड इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ हेरिडेटरी कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड कंटेन मेलेनिन लाइक पिगमेंट इन द साइटोप्लाज्म। नाउ द थर्ड इंडोजेनियस पिगमेंट इज हिमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स। हिमोप्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोजेनियस पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हिमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंड देयर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। सो दिस हिमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स आर फोर हिमोसिड्रीन, एसिड हिमेटिन, बिलिरुबिन एंड पोरफायरिन। लेट अस सी द हिमोसिड्रीन। आयरन इज स्टोर्ड इन द टिश्यूज इन द टू फॉर्म्स। एक होता है फेरिटिन विच इज आयरन कॉम्प्लेक्स थ्रू एपोफेरिटिन विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरा होता है हिमोसिड्रीन विच इज फॉर्म बाय एग्रीगेट्स ऑफ द फेरिटिन एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द लाइट माइक्रोस्कोपी एज गोल्डन येलो टू ब्राउन ग्रेनुलर पिगमेंट्स स्पेशली विद इन द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर, जहां पे सिनेसेंट आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। हिमोसिड्रीन में होता है फेरिक आयन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पर्ल स्टेन प्रोड्यूसर्स प्रशियन ब्लू रिएक्शन। इस रिएक्शन में पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट होता है फेरिक आयन के साथ हिमोसिड्रीन के टू फॉर्म द डीप ब्लू फेरिक फेरोसाइनाइड। अब टाइप्स देखेंगे, दो होते हैं लोकलाइज हिमोसिड्रोसिस एंड सेकेंड इज जनरलाइज सिस्टेमिक और डिफ्यूज हिमोसिड्रोसिस। पहला देखेंगे लोकलाइज हिमोसिड्रोसिस,
It develops whenever there is hemorrhage into the tissues, which lies up the RBC hemoglobin libratum, जो कि लिया जाएगा macrophages से, which is degraded and stored as a hemosiderin. Example देखेंगे तो changing colors of the bruise or black eye are caused by the pigments like biliverdin and bilirubin, which are formed during the transformation of hemoglobin into the hemosiderin. Second example is brown induration in the lungs as a result of small hemorrhages, as occurs in the mitral stenosis and left ventricular failure. Microscopy reveals the presence of heart failure cells, which are hemosiderin-laden alveolar macrophages. Now, second is generalized or systemic or diffuse hemosiderosis. दो patterns दिखा सकता है. एक होता है parenchymatous deposition of the hemosiderin occurs in the parenchyma cells of the liver, pancreas, kidney and heart. And second is reticuloendothelial deposition, which occurs in liver, spleen and bone marrow. Causes देखेंगे. तीन कॉजेस है. पहला है इंक्रीज हिमोलाइटिक एक्टिविटी, जिससे होता है एक्वायर्ड हिमोसिड्रोसिस. सेकंड इज द एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन, जिससे होता है इडियोपैथिक और हेरिडिटरी हिमोक्रोमेटोसिस. एंड तीसरा इज एक्सेसिव डायट्री इंटेक ऑफ द आयन. पहले देखेंगे इंक्रीज हिमोलाइटिक एक्टिविटी. इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द क्रोनिक हिमोलाइटिक एनीमिया देयर इज एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द हिमोग्लोबिन एंड हेंस आयन ओवरलोड. द प्रॉब्लम इज फर्दर कंपाउंडेड बाय ट्रीटिंग द कंडीशन विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिससे होता है ट्रांसफ्यूजनल हिमोसिडोसिस और पैरेंटल आयन थेरेपी. सेकंड इज एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन. अ फॉर्म ऑफ हिमोसिडोसिस इन विच देर इज एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इवन व्हेन द इंटेक इज नॉर्मल. इसे कहते हैं इडियोपैथिक और हेरिडिटरी हिमोक्रोमेटोसिस. इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज एसोसिएटेड विद मच मोर डिपॉजिट्स ऑफ द आयन देन द केसेस ऑफ द एक्वायर्ड हिमोसिडोसिस. इट इज कैरेक्टर बाय ट्राइड ऑफ पिगमेंटरी लिवर सिरोसिस, pancreatic damage resulting in diabetes mellitus and skin pigmentation. Diabetes or skin pigmentation ke wajah se disease ko brown diabetes bola gaya hai. Third is excessive dietary intake of the iron. Common example hai Bantu's disease in black tribals of the South Africa who conventionally brew their alcohol in the cast iron pots that serve as a rich source of the additional dietary iron. The excess iron gets deposited in various organs including liver, causing pigment cirrhosis. Now the second hemoprotein derived pigment is acid hematin or hemozyme. It is a black brown pigment containing heme ion in ferric form in acidic medium. लेकिन ये Prussian blue reaction और pearl stain से stain नहीं होता probably क्योंकि iron in the ferric form complex बनाता है protein के साथ, जिसकी वजह से it is unable to react in the stain. ये commonly पाया जाता है chronic malaria and in mismatched blood transfusion में. अरे मलेरिया का पिगमेंट कैन आल्सो बी डिपॉजिटेड इन मैक्रोफेजेस एंड हेपेटोसाइट्स. थर्ड हिमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट इज बिलिरुबिन. इट इज नॉर्मल नॉन आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द बाइल. ये डिराइव किया जाता है पोरफायरिन रिंग ऑफ द हीम मॉइटी ऑफ द हिमोग्लोबिन से. नॉर्मल लेवल होती है लेस देन 1 mg/dL. हाइपर बिलिरुबिनेमिया से कॉज होता है क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस. हाइपर बिलिरुबिनेमिया मे बी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, जिसकी वजह से जॉन्डिस में अपियर इन one of the following three ways. एक होता है pre-hepatic or hemolytic jaundice when there is excessive destruction of the red cells. Second is post-hepatic or obstructive, which results from obstruction of the outflow of the conjugated bilirubin. Third is hepatocellular, that results from failure of the hepatocytes to conjugate bilirubin and inability of bilirubin to pass from the liver to the intestine. Excessive accumulation of the bilirubin pigment different tissues में पाया जाता है and fluids में पाया जाता है, जैसे कि hepatocytes, Kupffer cells and bile sinusoids. Skin and sclera येलो हो जाता है इन्फेंट्स में. राइज इन द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में प्रोड्यूस टॉक्सिक ब्रेन इंजरी कॉल्ड एज कर्निक्टरस. नाउ द फोर्थ हिमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट इज पोरफायरिन्स. पोरफायरिन्स आर द नॉर्मल पिगमेंट प्रेजेंट इन द हिमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम. पोरफायरिया रिफर्स टू एन अनकॉमन डिसऑर्डर ऑफ इनबॉर्न अबनॉर्मलिटी ऑफ द पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म. इट रिजल्ट्स फ्रॉम जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ द वन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पोरफायरिन्स. ये जेनेटिक डिफिशियंसी प्रेसिपिटेट होती है बाय इंटेक ऑफ द सम ड्रग्स. पोरफायरिया आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द यूरिन, जैसे कि डेल्टा अमीनो लैवुलिनिक एसिड, पोरफायरोबिलिनोजन, यूरोपोरफायरिन, कोप्रोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन. पोरफायरिया दो टाइप के होते हैं, इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया एंड हेपेटिक पोरफायरिया. इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया देयर इज डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ द हीम इन द रेड सेल प्रीकर्सर्स इन द बोन मैरो. ये फर्दर दो सब टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया एंड इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया. कंजेनाइटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, इसमें यूरिन रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द यूरोपोरफायरिन एंड कोप्रोपोरफायरिन. ऐसे इन्फेंट्स की स्किन हाईली फोटो सेंसिटिव होती है, बोन्स एंड स्किन शोज रेड ब्राउन पिगमेंटेशन. सेकेंड इज इरेथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया इन विच देर इज एक्सेस ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन बट नो एक्सेस ऑफ पोरफायरिन इन द यूरिन.
Now the second is hepatic porphyria. These are more common and have normal erythroid precursors but have defect in the synthesis of the heme in the liver. Further, इनके तीन सब टाइप्स होते हैं. Acute intermittent porphyria is characterized by acute episodes of three patterns: abdominal, neurological and psychotic. The patient do not have photosensitivity. There is excessive delta amino-levulinic acid and porphyrobilinogen in the urine. Second is porphyria cutinea tarda. It is most common of all the porphyrias. Porphyrins collect in the liver and small quantity is excreted in the urine. Skin lesions are similar to those in the variegate, means mixed porphyria. Most of the patients have associated hemosiderosis with cirrhosis, which may eventually develop into hepatocellular carcinoma. Now the third is mixed or variegate porphyria. Porphyrias, it is rare and combines skin photosensitivity with acute abdominal and neurological manifestations. Now the fourth type of endogenous pigment is lipofuscin or lipochromin. It is a yellow brown intracellular lipid pigment. The pigment is often found in the atrophied cells of the old age and hence iska naam hai wear and tear pigment. It is seen in the myocardial cells, hepatocytes, Leydig cells of the testes and neurons in the senile dementia. Ye pigment washed in diseases mein bhi ho sakta hai which are unrelated to the ages. लाइट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो पिगमेंट कोर्स होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, ग्रैनुलर एंड ऑफन एक्युमुलेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द हार्ट मसल. द चेंज इज एसोसिएटेड विद द वॉशिंग ऑफ द मसल्स एंड इज कॉमनली रिफर टू एज ब्राउन एट्रोफी. द पिगमेंट कैन बी स्टेन्ड बाय फैट स्टेन्स बट डिफर फ्रॉम द अदर लिपिड्स इन बींग फ्लोरोसेंट एंड हैविंग एसिडफास्टनेस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो लाइपोफ्यूशन अपियर होता है इंट्रा लाइसोसोमल इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रेन्यूल्स in perinuclear location. These granules are composed of lipid protein complexes. Lipofuscin represents the collection of the indigestible material in the lysosomes after intracellular lipid peroxidation and is therefore example of residual bodies. Unlike the normal cells, in aging or debilitating diseases, the phospholipid end products of the membrane damage mediated by oxygen free radicals fail to get eliminated and hence deposited as lipofuscin pigment. Now let us see the second type of pigment, exogenous pigments. These are the pigments introduced in the body from outside, such as by inhalation, ingestion or injection, that is inoculation. First dekhenge inhaled pigments. The most commonly inhaled substances are carbon or coal dust, silica or stone dust, iron or iron oxide, asbestos. These substances may produce the occupational lung disease which are called as pneumoconiosis. The pigment particle after inhalation are taken up by the alveolar macrophages. Some of the pigment laden macrophages are coughed out via bronchi, which while some settle in the interstitial tissue of the lungs and in the respiratory bronchioles and pass into the lymphatics to be deposited in the hilar lymph nodes. Example taken, anthracnosis, that is reposition of the carbon particles, is seen in almost every adult lung and generally provokes no reaction or of tissue injury. However, extensive deposition of the particulate material over many years, like in coal miners pneumoconiosis, silicosis, asbestosis, etc. में वो प्रोवोक करता है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन को, फाइब्रोसिस को और इम्पेयर करता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को. सेकेंड इज इंजेस्टेड पिगमेंट्स. क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स में प्रोड्यूस पिगमेंटेशन. एग्जाम्पल देखेंगे अर्जेरिया. इन क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ द सिल्वर कंपाउंड एंड द रिजल्ट इन ब्राउनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, बॉवेल एंड द किडनी. सेकेंड इज लीड, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग. ये प्रोड्यूस करती है कैरेक्टरिस्टिक ब्लू लाइन्स ऑन अ टीथ एट द गम लाइन. तीसरा इज मेलानोसिस कोला, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ सर्टेन कैथार्टिक्स. चौथा इज कैरोटिनिमिया, इज येलोइश रेड कलरेशन ऑफ द स्किन कॉज बाय द एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ द कैरेट्स विच कंटेन कैरोटीन. नाउ द थर्ड इज इंजेक्टेड पिगमेंट और इनोकुलेटेड पिगमेंट्स. पिगमेंट्स लाइक इंडिया इंक, सिनाबार एंड कार्बन आर इंट्रोड्यूस इन टू द डर्मिस बाय द प्रोसेस ऑफ टैटूइंग, वेयर पिगमेंट्स इज टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस एंड लाइज परमानेंटली इन द कनेक्टिव टिश्यू. एग्जाम्पल देखेंगे इंजेक्टेड पिगमेंट्स का, दीज आर prolonged use of the ointments containing mercury, dirt left accidentally in the wound and tattooing by the pricking of the skin with dyes.